हाय एवरीवन, होम बेस्ड बिजनेस को करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस आइडिया के बारे में। इस बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस की मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, ऑपरेशनल प्लान, बिजनेस पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस कैटेगरी में आता है और आप इसमें एक सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इसको हम सर्विस बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इस बिजनेस के टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, वेबसाइट्स, ऑफिसेस, डॉक्टर्स हो सकते हैं। इस बिजनेस को के कई टाइप हैं या इस बिजनेस में कई टाइप के वर्क होते हैं, जैसे टेक्स्ट बेस्ड वर्क करवाना, वीडियो बेस्ड वर्क कराना, ऑडियो बेस्ड वर्क कराना जिसमें पॉडकास्टिंग भी हो रहा है आजकल, कॉलिंग करवाना, एक्सेल शीट भरवाना, बिलिंग करवाना आदि। इस बिजनेस की मार्केट डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है। चलते हैं इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान पे, क्योंकि बिजनेस तो कई लोग स्टार्ट करते हैं पर सक्सेस वही कर पाते हैं जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़िया होती है। तो इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करें जॉब पोर्टल्स पे, naukri.com और भी जैसे बड़े बड़े monster.com जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। डिजिटल मार्केट में आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप अपने ही ब्लॉग्स लिखें, फीवर अपवर्क फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट पे भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। इन वेबसाइट से आपको कई लोग अप्रोच करेंगे और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको वर्क भी मिलेगा। चलते हैं इस बिजनेस की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की कि ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इस बिजनेस में वर्क थ्रू आउट द ईयर आता है। इस बिजनेस के कई वीक पॉइंट भी है कि कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। बड़े लोग या ब्रांडेड कंपनियां पहले से ही इस प्रकार के बिजनेस को प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नए लोग आसानी से वर्क कर पाते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी कुछ लोग वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं। इसमें कुछ थ्रीट हैं, जैसे लोग आपसे चीटिंग भी कर सकते हैं, आपको वर्क देकर आपको पेमेंट नहीं करें, तो आपको कुछ पॉलिसीज भी डिसाइड करनी चाहिए और आपकी वर्क प्रोफाइल क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसा क्लाइंट होगा वैसे ही आपकी वर्क प्रोफाइल होगी। मतलब कोई क्लाइंट आपसे कॉलिंग करवा रहा है, कोई आपसे एक्सेल में शीट में एंट्री करवा रहा है, या कोई आपसे किसी प्रकार के वीडियो में एडिटिंग करवा रहा है, तो आपकी प्रोफाइल क्लाइंट डिसाइड करता है। ये एक परेशानी है इस प्रकार के बिजनेस में। तो इस बिजनेस में आप यदि कुछ पॉलिसीज बना लें तो आपके लिए यही बिजनेस आसान हो जाएगा। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा लें, जिससे आपके साथ कोई चीटिंग ना हो पाए। मंथली चार्जेस आप स्पेसिफाई कर दें, यदि कोई मंथली आपको रेंटल पर ले रहा है। डिस्काउंट्स आपको किसको देना है, क्या कंडीशंस रहेंगी, ये आप पहले ही लिख लें। लेट सबमिशन की कंडीशन में पेनल्टी आपके ऊपर रहेगी या उनके ऊपर, ये आपको डिसाइड करके पहले ही स्पेसिफाई कर दें। किसी प्रकार के कंटेंट में कुछ डैमेज हो जाता है या कोई इशू आ जाता है, तो उस कंडीशन में
जो अमाउंट उस वर्क के लिए आपने लिया है या मिलने वाला है उसके लिए आप क्या निर्धारित करेंगे, ये आपको पहले से ही सोचना होगा। डिलीवरी या कंटेंट वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको डिलीवर कैसे करना है, अमाउंट कैसे रिसीव करना है, उसकी कंडीशंस आप पहले लिख लें। किसी भी वर्क का आपने कोई अमाउंट ले लिया है उसको रिफंड करना है तो उसकी कंडीशंस बताएं। बुकिंग यदि आपकी कोई कर रहा है कि आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए कोई प्रायर बुकिंग लेना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस रखना चाहते हैं, आप पहले से सोच के रखें। तो बिजनेस पॉलिसीज आप इस बिजनेस में यदि रखते हैं तो आपको कम परेशानी फेस करनी पड़ेगी। चलते हैं इसके फाइनेंशियल प्लान की तरफ। तो आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है क्योंकि वर्क अलग अलग प्रोफाइल का आता है और हम हर प्रकार के वर्क में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको कंप्यूटर्स खरीदने होंगे ताकि आप अपना काम आसानी से कर पाएँ। फर्नीचर के लिए कंप्यूटर टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल आप अपने घर का यूज़ कर सकते हैं। रेंट यदि आप ऑफिस और स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं तो आपको रेंट देना होगा। इस बिजनेस में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जैसे कि आप यदि इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके हैंड्स ऑन कंप्यूटर होना चाहिए क्योंकि तभी आप कम समय में ज़्यादा काम करके अच्छा लोगों के संपर्क में आ पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो अच्छा पे करते हैं और उनको हमारे करेंसी के टर्म्स में जो वेजेस होते हैं वो कम लगते हैं। मतलब जो लेबर चार्ज उनको उस कंट्री में देना होता है उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ इंडिया में कम होता है। तो आप उस प्रकार के क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करें और वहाँ पर फीवर अपवर्क फ्रीलांस जैसी वेबसाइट पर अपने आप को एनरोल करें, वहाँ से आसानी से वर्क मिल सकता है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस के की तरफ जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए यदि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार की वर्चुअल असिस्टेंट के वर्क से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आप स्टूडेंट के लिए वर्क करना चाहते हैं, आप किसी वेब पोर्टल के लिए वर्क करना चाहते हैं, आप किसी ऑफिसेज के लिए वर्क करना चाहते हैं, आप टेलीकॉलिंग में वर्क करना चाहते हैं। आपको टारगेट ऑडियंस अपनी फिक्स करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या रखेंगे? मंथली कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि कोई आपको कोई वर्क असाइन कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको कितना चार्ज करना चाहिए। यदि कोई आपको बल्क में कोई वर्क दे रहा है, आपको कोई वर्क दे रहा है जैसे एक बुक दे दी और उसने कहा कि इसको हिंदी से इंग्लिश में करिए या इसकी ग्रामर चेक करिए या इसमें प्लेगरिज्म हटाइए, तो इस प्रकार के काम को आप कितना डिपॉजिट लेना चाहेंगे या मार्केट में क्या डिपॉजिट चलता है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग दूसरे लोग अपने इस बिज़नेस के लिए कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ, उस पर ध्यान दें। आई होप इस वीडियो से आप इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है फॉर बिगिनर्स। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट mybtbidea.com पे विज़िट करके हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट से अपने सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं।